इसरो GSLV मार्क 3 अगले महीने लॉन्च करेगा। हैदराबाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष AS किरण कुमार ने गुरुवार को कहा कि भारत अगले महीने स्वदेशी विकसित क्रायोजेनिक इंजन के साथ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 को लॉन्च करेगा। शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक सभा को संबोधित करते हुए किरण कुमार ने कहा कि तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग क्रायोजेनिक इंजन में किया जाता है, जो न केवल अधिकतम जोर देता है बल्कि लागत भी कम करता है। यह 400 किलोग्राम वजन कर सकता है, जिसमें एक पेलोड होता है। इसरो की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए किरण कुमार ने कहा कि 1960 के दशक में देश के दक्षिणी इलाके में मछुआरों को तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के लिए रास्ता बनाने के लिए एक बड़ा काम था और यह अंततः एक चर्च पादरी ले गया। उन्हें एक वादा है कि इससे समाज को एक महान सौदा लाभ होगा। अब मछुआरों को मछलियों की सटीक स्थिति और समुद्र में घुसने के बारे में जानकारी देने के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बचत की जा सकती है, जिससे वे जीव बचाते हैं, उन्होंने कहा। अगले महीने 2 उपग्रहों के साथ शुरू होने वाले 5 और संचार उपग्रहों की शुरुआत की जाएगी। किरण कुमार ने कहा कि भारत के पास आत्मनिर्भर अंतरिक्ष अवसंरचना है और अंतरिक्ष यात्री देशों में खुद के लिए एक निशान बनाया है। उन्होंने कहा 149 मिशनों के साथ 87 उपग्रहों को कक्षा में शामिल किया गया और 23 अलग अलग देशों के साथ मिलकर भारत ने 23 नवंबर 1963 को थुम्बा से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया।